5000 सुनहरे गाने और अमीन सयानी की पूरी गीत माला से भरा एक तोहफा सारेगामा कारवां वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक नया दिन है और एक नई प्लेलिस्ट के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम उस डायरेक्टर के फिल्मों के गाने सुनने वाले हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। जो सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म के लिए जाने जाते हैं तो वो क्लासिक फिल्म शोले डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूं रमेश सिप्पी जी की। रमेश जी को बचपन से ही फिल्मों का शौक था और वो अपने पिता जीपी सिप्पी जी को फिल्मों के सेट्स पर ऑब्जर्व किया करते थे, वो भी जीपी साहब की पहली फिल्म सजा से ही। तब रमेश जी कुछ 6 ही साल के थे लेकिन फिर भी वो अपने पिता के साथ सेट्स पर जाते थे। 1953 में उन्हें जब वो 9 साल के थे उनकी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी शहंशाह और वो अचला सचदेव जी के बेटे का रोल निभा रहे थे। कुछ 7 सालों तक फिर उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया फिल्मों में जब वो अपने टीनेज में थे और उसके बाद जाकर के उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर जो कि थी अंदाज। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, उनकी काफ़ी तारीफ की गई और इसीलिए उसके बाद उनके हाथ आई फिल्म सीता और गीता। इस फिल्म के लिए उन्हें और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, क्रिटिक्स से भी और बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसके बाद आई थी फिल्म शोले। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि शुरुआत में शोले ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। शुरुआत में काफ़ी बुरे रिव्यूज़ आए थे इस फिल्म के, जिसे सुनने के बाद रमेश सिप्पी जी को लगा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कुछ समय के बाद लोगों ने इस फिल्म को समझना, इस फिल्म की गहराई को समझना और कैरेक्टर्स को समझना शुरू किया था एंड दैट इज व्हेन वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। इनफैक्ट बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स बन गई। वैसे एक और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वो अपने फेवरेट एक्टर के साथ काम करना चाहते थे। फिल्म का नाम भी उन्होंने दिमाग में सोच के रखा था। वो इस फिल्म को नाम देना चाहते थे फादर इंडिया। किसके साथ वो ये फिल्म बनाना चाहते थे और क्या था ये किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं आज का ये शो उन्हीं की फिल्म शक्ति से। किशोर कुमार लता मंगेशकर जी का गाना सुना रही हूँ आपको, सुनिए जरा। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह तुमने हमें
बस किया दिल ने हमें धोखा दिया, तुमने हमें बेबस किया this episode. Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. Zindagi ek safar hai suhana, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अरे ओले ओले ओ 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 ओले ओले ओ. यहाँ कल क्या हो किसने जाना. आ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. उड़ने उड़ने हो 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 उड़ने उड़ने हो. Woo-hoo!
हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज रमेश सिप्पी जी की कुछ फिल्मों के बेहतरीन सुपर हिट गाने मैं आपको सुना रही हूं, और ये सभी गाने मेरे सारे गामा कारवां से हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे हो। मैं हूं रुचि आपके साथ, और रमेश जी ने जो कुछ भी सीखा वो अपने पिता जी पी सिप्पी जी से ही सीखा। उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब वो फिल्में बनाने लगे तब ऐसा लग तो नहीं रहा था। वैसे रमेश जी के फेवरेट एक्टर अगर कोई थे तो वो थे दिलीप कुमार साहब। रमेश जी हमेशा ही दिलीप साहब के साथ काम करना चाहते थे। जब उन्होंने मदर इंडिया देखी तो वो भी कुछ ऐसी ही फिल्म बनाना चाहते थे, तो उनके दिमाग में आया कि वो एक पिता के ऊपर बेस्ड फिल्म बनाएंगे, जहाँ पर वो पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग कर देने को तैयार हो जाता है, और वो इस फिल्म को फादर इंडिया नाम देना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी इस चाहत को राइटर्स सलीम जी जावेद जी के सामने रखा तो उन्होंने भी कहा कि वो भी दिलीप साहब के साथ काम करना चाहते हैं। फिर रमेश जी ने उन्हें आइडिया दिया और कहा कि शिवाजी गणेशन जी की एक फिल्म है जो कि उन्होंने देखी थी, और वो एक तमिल फिल्म थी, तो क्यों ना इस तमिल फिल्म के राइट्स खरीद लिए जाएँ और ऐसी एक फिल्म बनाई जाए। ये उस दौरान की बात है जब फिल्मों का रीमेक जो था वो नहीं बनता था, कोई ट्रेंड नहीं था ऐसा। फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट फाइनलाइज की तब उन्होंने दिलीप साहब को पिता के रोल के लिए अप्रोच किया और अमिताभ जी को बेटे के रोल के लिए। बस एंड में जाकर के इस फिल्म का नाम फादर इंडिया तो नहीं पड़ा, लेकिन पड़ गया शक्ति। इसी फिल्म से आपको गाना सुना रही हूँ अभी लता जी की आवाज़ में, हमने सनम को खत लिखा है। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। अरे, अरे, ए, 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 के साथ साथ अरे रे रे। घटा के संग संग संभालना, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ते अपना दिल भी है दीवाना, लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, दे हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। बसने दे तू बनके काजल, ओ साथी चल। तू मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर चल साथी चल। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. पहुंचे ये खत
कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा लिखा, खत में लिखा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज मैं आपको हिंदी फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी की जिंदगी के किस्से कहानियां सुना रही हूं। रमेश जी की फिल्में तो इंटरेस्टिंग थी ही, लेकिन उनकी लव लाइफ भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं थी। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी एक टेलीविजन सीरियल के साथ, जिसमें किरण सिप्पी जो कि उनकी बीवी हैं उनका भी एक रोल था। उस दौरान किरण जी मॉडलिंग किया करती थी। एक दिन वो अपने दिल्ली के एक शो से वापस मुंबई आ रही थी, तो उनके एजेंट ने उन्हें एयरपोर्ट पर बताया कि रमेश सिप्पी करके एक फिल्मों के डायरेक्टर हैं, वो टीवी शो बना रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो चलो उनसे मिलवा देते हैं। किरण जी इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए घर भी वापस नहीं गई। जो पहना हुआ था उन्होंने उनके जर्नी के दौरान, उन्हीं कपड़ों में वो ऑडिशन के लिए चली गई। शाम के कुछ 7 बजे वो स्टूडियोज पहुंची, जहां पर रमेश जी के टेलीविजन सीरियल बुनियाद की शूटिंग चल रही थी और रमेश जी लीड एक्ट्रेस अनीता कंवर जी को सीन समझा रहे थे। किरण जी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि रमेश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या रमेश जी ने किरण जी से बात भी की या नहीं
किरण जी का दिल तोड़ दिया था पहली बार की मीटिंग में, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनाती हूँ आपको रमेश जी की पहली फिल्म अंदाज से रफी साहब की आवाज में अगला गाना। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, कुछ न मिला पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। गए बाजार में लेने को लट्टू, लट्टू वट्टू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रोटी वोटी कुछ न मिले पीछे पड़ी मोटी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। नहीं ना
say now, you said it to me. Sonny, do not do now, you did it to me. Toli tolu baja raj raj ke, o sayar mananai. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। रमेश जी की फिल्मों के गाने सुन रहे हैं आप और ये सभी गाने मेरे सारे गामा कारवा से हैं। जब पहली बार किरण जी ने, जो कि आज उनकी बीवी हैं, उन्होंने रमेश जी को देखा था तो उन्हें लगा था कि वो काफ़ी इंटेंस हैं, काफ़ी सीरियस किस्म के हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान किरण जी को काफ़ी वेट करवाया गया। जब वो ऑडिशन के लिए गई हुई थी और बुनियाद सीरियल की शूटिंग चल रही थी तो किरण जी को बैठे रहना पड़ा। किरण जी को लगा कि शायद रमेश जी उनसे मिलेंगे ही नहीं, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद कुछ समय निकाल के रमेश जी किरण जी से मिलने के लिए आए। रमेश जी ने उनसे कहा कि क्या वो अपने मॉडलिंग करियर से थोड़ा ब्रेक ले सकती हैं, क्योंकि जो रोल था वो एक ऐसा रोल था जो पहले तो यंग होगा और उसके बाद में ओल्ड दिखाया जाएगा, और ये जो इनका गेटअप होगा वो रमेश जी चाहते नहीं थे कि लोगों को दिखाई दे। इसीलिए वो चाहते थे कि किरण जी कुछ समय के लिए लोगों से, मीडिया से, फोटोग्राफर्स से छुप के रहें। किरण जी चाहती तो थी कि वो रमेश सिप्पी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करें, लेकिन उनका पहला रोल ही ऐसा रोल हो जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत का रोल प्ले करें, उनका किरदार निभाए, वो किरण जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर रमेश जी ने कुछ इस तरह से उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में बताया, कुछ इस तरह से उन्हें कहा कि तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, कि किरण जी कन्विंस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि शुरुआती एक दो मीटिंग्स में ही या फिर एक दो एपिसोड की शूटिंग में ही रमेश जी और किरण जी के बीच प्यार हो गया था तो आप गलत हैं। रमेश जी काफ़ी प्रोफेशनल किस्म के डायरेक्टर थे, इसीलिए काफ़ी वक्त लगा। धीरे धीरे रमेश जी ने किरण जी को नोटिस किया, उसके बाद किरण जी रमेश जी की वॉइस क्वालिटी से और उनकी अथॉरिटी से अट्रैक्ट हुई। ग्रेजुअली काम के साथ साथ दोस्ती हुई और फिर बाद में जाकर के दोस्ती बनी प्यार।
चलिए आइए फिलहाल सुनाती हूँ आपको टैक्सी नंबर 9211 फिल्म से के और सुनिधि चौहान की आवाज में प्यार के ही नाम अगला गाना। एक नजर में भी प्यार होता है मैंने सुना है। क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स।
मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छी लगते हो। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो अच्छी लगते हो। तुम में है मेहरबान सारी है पन सादगी दिलकशी ताजगी दिलकशी तुमसे है ताजगी तुमसे है। तुम हुए हम नशी हो गई मैं हंसी रंग तुमसे मिले हैं सारे। तारीफ जो सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो अच्छी लगती हो। कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरती हो अच्छी लगती हो। चल से जब खेलती हो अच्छी लगती 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 हो।
I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ.